ऑल राइट लीडर्स, वेरी वॉर्म वेलकम। सो मैं वीडियो सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार पूरा वीडियो बन गया और वो कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ इसके कारण से वो सेव नहीं हो पाया। सो पूरा 15-20 मिनट का वीडियो था, इतना दम लगा के बोला और पूरा सेव नहीं हो पाया। चलो ठीक है, वापस से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा सेकंड टाइम भी। तो देखते हैं मार्केट्स में हुआ क्या, पहले क्या सोचा था समझते अपने लास्ट या लास्ट टू लास्ट वीडियो में क्या शेयर किए थे, आप देखना जाके या आपको आइडिया, अगर आप डेली बेसिस पर वीडियो देखते होगे तो अपने शेयर किए थे कि मार्केट अगर नीचे साइड टूटता है तो बहुत अच्छा होगा। मतलब मैं पर्सनली चाहता हूं कि मार्केट नीचे साइड टूटे, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे साइड टूटेगा तो मोमेंटम में वो नीचे चला हुआ नीचे जाता रहेगा, बट अगर मार्केट ऊपर साइड जाता है तो उसमें वॉलिटिलिटी आएगा और ऊपर जाएगा तो सेलिंग प्रेशर आएगा, वापस से फॉल आएगा, फिर ऊपर सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, वापस से फॉल आएगा। तो पर्सनली मैं चाहता था कि मार्केट नीचे साइड टूटे, ओके। आप देख सकते हो लास्ट वीडियो है, लास्ट टू लास्ट वीडियो था, ठीक है। तो मार्केट ने आज जो है पिछले दो हफ्ते का जो रेंज था, जो दो वीक में कंसोलिडेशन चल रहा था, मार्केट ने आज उसको तोड़ा है, ठीक है। वो रेंज का ब्रेकडाउन दिया है और उसके बाद 50 EMA पर सेकंड टाइम, ये तो फर्स्ट टाइम था जो कि फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया, वापस से ऊपर आया और अब सेकंड टाइम 50 EMA के पास में, ठीक है। अच्छा अब आप समझो एक चीज, लोग बोलते हैं कि मार्केट जो है जो RBI गवर्नर का मीटिंग हुआ उसकी वजह से गिरा, या कोई भी रीजन देते हैं। मुझे आप बताओ, मैं जो है पर्सनली मुझे इतना नहीं पता रहता न्यूज के बारे में, ओके, वो तो ट्रेडर्स कम्युनिटी में ही लोग शेयर करते थे कि ये न्यूज है, ठीक है, आज मीटिंग है इसका, आज ये न्यूज आने वाला है स्टॉक में, आज वो है, तो इससे एक आइडिया लग जाता है। बट पर्सनली मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, वो है चार्ट्स। चार्ट्स में क्या दिख रहा है, क्या मुझे बताओ आप लोग, क्या मुझे वीकनेस नहीं दिख रही थी दिसंबर 2021 से, क्या नहीं दिख रहा था क्या कि बॉलिंगर बैंड में कर्व आ सकता है, ठीक है, मंथली चार्ट बेरिश लग रहा है, एमएससीडी में एक फ्लैट, एमएससीडी में डाउनटेक है, तो क्या नहीं दिख रहा था क्या वो? तो चार्ट्स में सब कुछ दिखता है, ठीक है। ये सब जो न्यूज आता है, न्यूज वो बहुत बात की बात होता है, क्योंकि क्या है प्राइस एक्शन सुप्रीम है, वो कहते हैं ना भाव भगवान छे। तो मैं इसलिए इतना डिटेल में वीडियो बनाता हूं आप लोगों से, आप लोगों को, ताकि आप समझो प्राइस एक्शन को, ओके। और काफी लोग होंगे जो काफी टाइम से, आई थिंक 6-7 महीने से वीडियोस देख रहा होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनको बहुत हद तक समझ में आया होगा कि कैसे प्राइस एक्शन रीड करना है, ठीक है। इसलिए मैं एक चीज शेयर करता हूँ कि कहां पर एंट्री लिया, कहां पर क्या एग्जिट है, कहां पर ट्रैप हुआ, कहां पर हमने मिस किया, क्यों मिस किया ट्रेड, ठीक है, सब कुछ, तो आपको एक आइडिया लगे कि कैसे बनता पैसा। ऐसे नहीं बनता पैसा कि किसी ने बोला ये बाय कर लो, बाय कर लिया, किसी ने बोला सेल कर लो, सेल कर लिया, नहीं, ठीक है, प्रॉपर लॉजिक ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो तो देखते हैं मार्केट्स में हुआ क्या आज और कहां कहां एंट्री मिला और क्या हुआ, सबको डिस्कस करते हैं। चलो आते हैं कल्याण चैनल पे। तो कल मैं स्टॉक्स कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, वैसे तो मार्केट बेरिश था, बट एक स्टॉक, एक दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगे, वो मैंने शेयर किए। एक मुझे दिखा UPL, मैंने क्या बोला UPL में, UPL में एड करेंगे 50% नियर 832.7 एंड रेस्ट एट 837.8, तो एक 832 के आसपास और एक 838 के आसपास हम इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। क्यों? स्कैल्पिंग के लिए, स्विंग के लिए नहीं, स्कैल्पिंग के लिए। ऑफ कोर्स अगर ये मूव दिया ऊपर साइड तो हम इसको स्विंग के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, बट हमारे टारगेट और SL फिक्स रहते हैं स्कैल्पिंग के लिए। तो क्या किया आज UPL ने, आओ देखते हैं UPL का, देखते हैं। मॉर्निंग में UPL ने एक अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है, ये देखो आप। तो एक तो 832 के आसपास ये पहला ट्रिगर हुआ, दूसरा ट्रिगर ये कैंडल पे हुआ 837-38 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ये मोमेंटम में ऊपर गया, मोमेंटम में ऊपर गया, तो यहां पर जब ये डोजी आया, ये वीकनेस दिखा यहां पर, तो यहां पर बुक कर लिए, तो एक डिसेंट ROI बुक किया, ठीक है। तो यहां पर एक डिसेंट ROI बुक किया, तो पहला स्टॉक में तो ये प्रॉफिट बुक किया आज। देन उसके आज तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा, निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स जिसमें ट्रेड लिया सब में छापे। दूसरा लेमन ट्री, लेमन ट्री क्या था, अगर 68.4 के ऊपर निकलता है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो 68.4 के ऊपर निकलता है तो ये हमारा ट्रेड इसमें ट्रिगर होगा, ठीक है। बट ये क्या हुआ, लेमन ट्री ट्रिगर ही नहीं हुआ, ट्रेड लेमन ट्री अगर आप देखोगे ट्रिगर ही नहीं हुआ।
ये देखो, सो लेमन ट्री ट्रिगर ही नहीं हुआ तो क्या कोई एंट्री नहीं था, ठीक है कोई भी एंट्री नहीं था। फिर देखते हैं फिर क्या हुआ, एसजीएक्स निफ्टी बता रहा था कि फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा, बट एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा जो निफ्टी ओपन हुआ वो थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे ओपन हुआ। अब आप देखना क्या लग रहा था, जब ये कैंडल बन रहा था, जब ये कैंडल बन रहा था 3 मिनट्स का, मैंने देखा गैप अप हुआ है, गैप अप होने के बाद ये कैंडल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैं वेट कर रहा था अगर ये इसके ऊपर क्लोज दे देता, मुझे लग रहा था कि 17,200 तक वापस से टेस्ट कर सकता है। बट वही है, जब तक कैंडल ना बन जाए तब तक हमेशा ट्रेड को अवॉइड करो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एक लेवल है, आपको दिख रहा है लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, जब तक कैंडल खत्म ना हो जाए तब तक उसको आपको ट्रेड नहीं लेना। होगा क्या, सपोज 3 मिनट्स का चार्ट है, 2 मिनट 30 सेकंड तक आपको देखिएगा ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, और आखिरी के 30 सेकंड में इतना बड़ा रिजेक्शन मार के वापस से नीचे जाएगा और वो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यही हुआ यहां पर, ये ऊपर जा रहा था बट अचानक से क्या हुआ, बेयर्स आए और बेयर्स ने प्राइस को नीचे क्लोजिंग करवाया और ये बहुत बढ़िया कैंडल मिला, एक बहुत अच्छा कैंडल मिला, बेयरिश कैंडल मिला, बेयरिश कैंडल मिला। ठीक है, पर्सनली आज जो व्यू था ना मेरा वो थोड़ा साइडवेज था, कि साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो सकता है, इतना ज्यादा नहीं लग रहा था मुझे कि एकदम इतना मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो वो कह लो कि वॉलेटिलिटी के कारण या कह लो कि अपना जो आरबीआई गवर्नर का मीटिंग हुआ उसके कारण भी ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से लोगों को पसंद नहीं आया और शॉर्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, आज आप देखोगे तो बहुत ही कम पुट राइटिंग है, बहुत ही कम, ठीक है बिल्कुल नाक के बराबर पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग है, कॉल राइटिंग हुई है। चलो और देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आज जो भी स्टॉक पकड़ रहे थे सब में प्रॉफिट ही बुक किया। देखो एलेम्बिक फार्मा 936 पे शेयर किया, एलेम्बिक फार्मा इज लुकिंग गुड फॉर इंट्राडे शॉर्ट्स। ठीक है, 738 के लेवल पे चल रहा था तो एलेम्बिक फार्मा में डिसेंट रिटर्न बुक किया। ठीक है, ज्यादा रिटर्न तो बुक नहीं किया, ओवरऑल 0.8% का गेन बुक किया। ये देखो एलेम्बिक फार्मा में ये 738 मतलब ये मोमेंटम में था। ओके, तो लग रहा था इसमें वीकनेस है और नीचे जा सकता है और ये गया भी और टूटा और जोर का नीचे साइड मोमेंटम आया। ठीक है, देन उसके बाद एक और स्टॉक शेयर किया था इन्फो एज। ठीक है, इन्फो एज ऑल्सो लुकिंग गुड, तो हमारे सेटअप में आ रहा था सब कुछ, मार्केट भी बेयरिश दिख रहा था, ये स्टॉक भी बेयरिश दिख रहे थे, तो इन दोनों स्टॉक्स में हम शॉर्ट गए थे। ठीक है, और उसके बाद देखो इसने भी एक डिसेंट नीचे साइड का मूव दिया और गिरता हुआ चला गया। तो पहले तो इसमें टोटल ओवरऑल 0.8% का गेन बुक किया, देन वापस से मैंने शेयर किया था और एलेम्बिक फार्मा में वापस से एंट्री की थी और अप्रोक्सीमेटली 1.2% के आसपास वापस से इस स्टॉक में गेन बुक किया था, क्योंकि वापस से इसमें एक और लेवल टूटा था, एक और लेवल टूटा था और इसमें एक जोर का मोमेंटम मिला था। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया, ये देखो बुक्ड 0.8% गेन। तो पहले 0.8% गेन, देन वापस से एलेम्बिक फार्मा को शॉर्ट करके उसमें गेन बुक किया था। अब देखते हैं आगे क्या, कहां कहां एंट्री मिला निफ्टी में और क्या ऑब्जर्वेशन था, सबको डिस्कस करते हैं। वोल्टास शेयर करना मिस हो गया था, तो वोल्टास ने भी जोर का नीचे साइड मोमेंटम पकड़ा और अच्छा खासा रिटर्न देता ये भी, बट इसमें ट्रेड नहीं लिया हमने। सॉरी, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है निफ्टी में, देखना। ये देखो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने इस चैनल को तोड़ा। ठीक है, निफ्टी ने इस चैनल को तोड़ा, चैनल तोड़ने के बाद ये मोमेंटम में नीचे चला गया। सॉरी, आई थिंक स्क्रीन पॉज हो गया। तो ये नीचे चैनल को तोड़ने के बाद मोमेंटम में नीचे चला गया, बट मजे की बात ये हुआ कि हमने इसको ट्रेड ही नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा था कि हो सकता है ऐसा ना हो। देखो हम जनरली जो है ना, हम लोग ज्यादातर जो ट्रेड करते हैं ना वो 12 बजे के बाद करते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि जेन्युइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते हैं।
ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक जनरली मार्केट टाइम पास करता है। तो हमें लग रहा था कि यार ये हो सकता है फेक ब्रेकडाउन होगा, टाइम पास करेगा, ऊपर जाएगा, बट ये नीचे चला गया, नीचे चला गया, नीचे चला गया और एक अच्छा खासा मूव दिया और हमने इस मूव को मिस किया। हालांकि हमारा विक्स सेटअप सपोर्ट कर रहा था, अगर आप विक्स को फॉलो करते हो तो विक्स हमारा सपोर्ट कर रहा था, बट फिर भी हम नहीं गए क्योंकि हमें लग रहा था कि हम 12 बजे के बाद का मूव कैप्चर करेंगे। ओके, तो ये मूव हमसे मिस हुआ और हमने कोई ट्रेड नहीं लिया इसमें। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने लिया, कुछ कम्युनिटी मेंबर्स ने लिया था ट्रेड और बुक भी किया, बट मैंने पर्सनली मैंने नहीं किया था। फिर हमने क्या किया देखते आगे। ये देखो, अब एक चार्ट शेयर किया, अब ये मूव तो मिस हुआ, ठीक है। उसके बाद दिखा कि यार ये मूव आया, उसके बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मैं बार बार शेयर करता हूं कि अगर प्राइस ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया और कंसोलिडेशन चल रहा है और फिर एक ब्रेकआउट आता है, इसका मतलब हाई पॉसिबिलिटी है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो सेम ऐसे ही ऊपर से नीचे आया, अगर लोअर लेवल्स पर कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब अगर ब्रेकडाउन आया तो हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि उसमें फॉल आएगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ। 12:08 पर शेयर किया था निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट, आप देखो 12:08 पर। तो बैंक निफ्टी में भी यही लग रहा था, एक मूव आया उसके बाद कंसोलिडेशन किया, वापस से ये फॉल आ सकता है और नीचे के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। और अगर आप देखोगे अगला ही कैंडल, ये 12:08 पे शेयर किया क्योंकि हमें पता था कि अब मोमेंटम आ सकता है, और अगला ही कैंडल आप देख लो, अगला ही कैंडल देख लो, निफ्टी ने भी 12:09 पर ये देखो ब्रेकडाउन दिया और बैंक निफ्टी ने भी ये देखो इस इतना बड़ा कैंडल बनाया। बट वापस से हुआ क्या, जब इतना बड़ा कैंडल बन जाता है तो हम वापस से ट्रेड अवॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तो नीचे साइड रिजेक्शन आ गए और एकदम जोर का मोमेंटम आया। अगर ये होले होले जाता, मतलब एंट्री देने का मौका देता, तो हम यहां पर एंट्री लेते, बट इतना जोर का मोमेंटम आया और इतना बड़ा रिजेक्शन आया तो यहां पर हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। मैंने पर्सनली कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर मैंने ट्रेड कहां लिया, मैंने देखा कि यहां पर एक रिजेक्शन आया है। ओके, यहां पर एक रिजेक्शन आया है। ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ओके, मैंने देखा कि यहां पर इस लेवल पर ये रिजेक्शन आया, ऊपर गया, उसके बाद वापस से कंसोलिडेशन चल रहा है। अब देख रहा हूं वापस से कंसोलिडेशन चल रहा है। मैंने लिया इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे वापस से एक एंट्री लिया, ठीक है, स्कैल्पिंग करने के लिए। मेरा SL था ये, इस कैंडल का हाई मेरा SL था और मुझे लग रहा था कि ये लेवल या तो टूट जाएगा या रिजेक्शन मारेगा। तो अगर रिजेक्शन भी मार देता तो मैं यहां पर क्या करता, निकल जाता। अगर मान लो इनकेस ये नीचे जाके एक रिजेक्शन मारता और ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज होता, मैं यहां पर निकल जाता, ठीक है। बट हुआ क्या, गैप, ये अगला कैंडल मुझे प्रॉफिट दिया, गैप डाउन मिलने से मेरा प्रॉफिट बढ़ा। उसके बाद मैं अपने SL को ट्रेल करता गया, मेरा SL ये हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब अब मैं लॉस तो नहीं करूंगा। एक कैंडल आया ऊपर लेकिन वापस से मूव आया और फाइनली मैंने जो बुक किया वो 16852 के आसपास, आई थिंक इस कैंडल पे बुक किया था मैंने, या फिर इस कैंडल पे, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, सब कुछ शेयर किया हुआ था मैंने ट्रेडर्स कमेंट चैनल पर। ये देखो होल्डिंग शॉर्ट्स, ठीक है, होल्डिंग शॉर्ट, शॉर्ट होल्ड करके रखे। बहुत सारा कैंडल था 15 मिनट्स में, बट मैंने 1 मिनट के बेसिस पर ट्रेड लिया था क्योंकि मुझे पता था 12 बजे के बाद एक मोमेंटम आता है और इस मोमेंटम को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। तो शॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। और उसके बाद 852 मेरा ट्रेलिंग SL था और मैंने 12:40 पर बुक किया, तो सॉरी 1240 मतलब ये वाला कैंडल था, इस कैंडल पर बुक किया। क्यों? क्योंकि नीचे साइड रिजेक्शन आ रहे थे और 15 मिनट्स में ऑलरेडी बहुत सारा कैंडल बन चुका था। और उसके बाद वापस से ऊपर गया, नीचे आया, यहां पर कोई एंट्री नहीं मिला और चुपचाप बैठ के अवॉइड करते रहे, मतलब चुपचाप बैठ के ऑब्जर्व करते रहे। तो एक एंट्री मिला ये, ठीक है, तो एक मूव मिला यहां पर। फिर देखते हैं आगे क्या एंट्री मिला। तो बहुत बढ़िया ट्रेड हुआ, देखो सभी ने छापा,
इन्होंने 4000 बुक किया था, बाद में और भी बुक किया इन्होंने। देखो फिर से मन कर रहा था शॉर्ट करने का पर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत कैंडल आया था और अब फिर ऑब्जर्व कर रहे थे कि थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। ओके तो मुझे लग रहा था इट्स बेटर टू कंसोलिडेटेड करेंट लेवल फॉर नेक्स्ट 45 to 60 मिनट्स। तो मैं चाहता था कि थोड़ा एक घंटा ये कंसोलिडेट करे, वापस से हमें ट्रेड मिलेगा 2 बजे के आसपास। ठीक है, 2 बजे के आसपास। तो टाइमिंग बहुत मैटर करता है मार्केट्स में कि कब आपको ट्रेड लेना है, कब आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये देखो तो 6700 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। अब देखो फिर क्या मेंशन किया था, नाउ वोलेटिलिटी इज गोइंग टू स्टार्ट 158 पर, क्योंकि 2 बजे वो उसका स्टार्ट होने वाला था स्पीच, ठीक है, अपना आरबीआई गवर्नर का। तो लग रहा था अब यहां से वोलेटिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक ऐसा कुछ इवेंट होना कि जिससे बहुत ज्यादा एकदम मोमेंटम आए, जैसे ऊपर भी मोमेंटम आए नीचे भी मोमेंटम आए, उस इवेंट को आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं बताता हूँ बहुत सारे लोगों ने ना पैसा लूज किया होगा 2 बजे से 2:05 तक। मैं बता रहा हूँ सबने लूज किया होगा, जो लोगों ने ट्रेड किया होगा खुजली ट्रेड उन्होंने 2 बजे से लेकर 2:05 तक पैसा लूज किया होगा। ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे लूज किया होगा। ये आया कैंडल, ये आया निफ्टी में कैंडल कितने बजे, 2 बजे 2:03 पर, मतलब 2 बजे कैंडल बना 2:03 पर खत्म हुआ। आप लोगों को क्या लगा, अरे यार बहुत बढ़िया है, जो आरबीआई गवर्नर है वो पॉजिटिव होगा और एक कैंडल आया, चलो यहां पर बाय करते हैं, ब्रेकआउट आया है 50 EMA के ऊपर है, बाय करते हैं। और आप बहुत सारे लोगों ने यहां पे बाय किया होगा। ठीक है, मुझे बताना कौन कौन ट्रैप हुए थे यहां पर। और सबको दिख रहा होगा कि अब तो निफ्टी 17,200 जाएगा, एकदम मोमेंटम आ गया। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है, मतलब सब कुछ दिख रहा होगा आपको, सब कुछ दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। तो यही तो होता है, यही तो है ट्रैप्स आपको फंसाने के कि आओ बाय करो। तो ये कैंडल जो था फंसाया, फंसाया बाय करो, और अगला ही कैंडल आपको मौका ही नहीं दिया होगा निकलने का और डबल लॉस हुआ होगा। अगर आपने यहां पर बाय किया है तो इतना बड़ा कैंडल में आपको लॉस होगा, आपको काटने का भी मौका नहीं मिला होगा। ठीक है, फिर आप वेट कर रहे होगे, नहीं अब तो कॉस्ट पे तो आने दो फिर काटेंगे, और अगला कैंडल में फिर आपके लुढ़ गया होगा। सेम विद बैंक निफ्टी, सेम विद बैंक निफ्टी। तो मैं वही बोल रहा हूं, आपने 2:05 to 6 तक आपने जोर का पैसा गवाया होगा जिन्होंने ट्रेड किया होगा यहां पर। ठीक है, तो क्लियरली मेंशन करके रखा था कि भैया यहां पर ट्रेड नहीं करना, वॉलेटिलिटी आएगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, और फिर वॉलेटिलिटी स्टार्ट हुआ, सब लोग मजे कर रहे थे। और ठीक है, मेंशन भी किया था एक ग्रीन कैंडल से सब बुलिश हो गए होंगे, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, होप यू ऑल आर सेफ, आई हैवन्ट ट्रेडेड एनीथिंग एंड नॉट गोइंग टू ट्रेड फॉर नाउ। तो जब तक उसका स्पीच चल रहा था तब तक मुझे पता था मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना, मैं चुपचाप बैठ के चार्ट्स को रीड कर रहा था, मजे कर रहा था। ठीक है, हालांकि इस बीच में कमा भी लिया, 21,000 का गेन बुक किया। ओके, और स्कैल्पिंग किया, हालांकि फेवर में गया ट्रेड, बट अगर अगेंस्ट में जाता तो लॉस भी हो सकता था। ठीक है, फिर देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर ये दिखा मुझे ये दिखा, ये मैंने स्ट्रक्चर शेयर किया 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, एक जोर का मोमेंटम आया, वही मार्केट कंसोलिडेट करा। तो मुझे लग रहा था कि ये ब्रेकडाउन आ चुका है, ब्रेकडाउन आ चुका है, निफ्टी और गिर सकता है, और इनफैक्ट इस लेवल तक गिर सकता है, 16,230 के आसपास का लेवल है, यहां तक गिर सकता है। ये लेवल निकाला कैसे मैंने, ये जो जितना भी इसका लेंथ है ना, जितना भी लेंथ है उसको उठा के मैंने यहां पे रखा, तो 16,200 के आसपास का ये लेवल मुझे दिख रहा है। पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, बट दिख रहा है चार्ट्स में, तो इसलिए मैंने शेयर किया। और फिर मुझे लगा कि रेंज का ब्रेकडाउन आया है, वापस से बेयर बनने का मौका है। ठीक है, रेंज का ब्रेकडाउन आया है और वापस से यहां पर एंट्री एग्जीक्यूट किया। मैं बताता हूं आपको कहां पर एंट्री एग्जीक्यूट किया। ठीक है, मैंने बुक किया अपने निफ्टी शॉर्ट्स 245 पे बुक किए। क्या लॉजिक था, एक एक चीज शेयर करता हूं। मैंने 17,000 के पुट्स बाय किए थे मे एंड एक्सपायरी के। ठीक है, कल की एक्सपायरी के नहीं, क्योंकि कल तो क्या था, कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम हो सकता है वॉलेटिलिटी के कारण एसएल हिट हो जाता, बट मे एंड की एक्सपायरी का बाय किया था 17,000 के पुट्स। और उसके बाद देखो मैंने पूरा एक एक शेयर किया कि कहां मैंने शॉर्ट किया था।
मैंने शॉर्ट किया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम के बेसिस पर, अगेन यहां पर शॉर्ट किया था, बट क्या हुआ ना, अगला ही कैंडल ये आ गया ग्रीन और मेरा एसएल ले गया, मुझे लॉस दिखा, मैंने यहां पर काट दिया, ठीक है, मैंने यहां पर काट दिया। देन फिर क्या हुआ, मुझे एक अगेन मुझे प्राइस एक्शन दिखा, यहां पर मुझे दिखा इवनिंग स्टार दिखा मुझे यहां पर, और लग रहा था कि ये मेरा एसएल था और यहां पर मेरा एंट्री था इस कैंडल पे, और इस बार मैंने क्वांटिटी ज्यादा कर दिया था, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था ये वापस से अब फॉल आ सकता है, और फिर यहां पर एक मूव कैप्चर किया और यहां पर एक स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो वही है, तो यहां पर एक प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो बस यही ट्रेड हुए आज और बहुत बढ़िया दिन रहा, सभी ने छापे आज। चलो अब बात करते हैं कल क्या लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, कल कॉल साइड मत जाना, मैं बोल रहा हूं आपसे कल कॉल साइड मत जाना, अगर इन केस मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि कल होगा क्या ना, मैं आपको बताता हूं, कल जो सबसे सस्ता चीज मिलेगा ना वो कॉल मिलेगा, और रिटेलर्स की मेंटेलिटी क्या होती है, अरे यार कॉल सस्ता मिल रहा है चलो बाय कर लेते हैं, क्या होगा कितना पैसा जाएगा, आप क्या करोगे ना, आप 15-15, 20-20 रुपए वाले कॉल ऑप्शन को बाय करना स्टार्ट कर दोगे, वो बर्बादी है पैसे की, इससे अच्छा पैसा किसी गरीब को दे देना, ठीक है। पर आप कल कॉल साइड मत जाना, कितना ही मार्केट ऊपर मूव कर जाए, ठीक है, 300 पॉइंट मूव कर जाए, 400 पॉइंट मूव कर जाए, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, ठीक है, बट कॉल साइड मत जाना, क्यों, क्योंकि देखो पुट राइटिंग है नहीं आज, मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे, एक भी कैंडल अगर आपसे नहीं संभला तो आपका लॉस बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और जो प्रोफेशनल स्कैल्पर्स हैं वो तो जा सकते हो, आप दोनों साइड जा सकते हो, ठीक है, बट जो होता है ना कि जो अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं या जिनको खुजली ट्रेड करते हैं, प्लीज कॉल साइड मत जाना, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा कॉल आपको अट्रैक्टिव लगेगा, आपको लगेगा ये तो ऊपर जाएगा, 17,200 जाएगा, 17,300 जाएगा, हो सकता है वापस से ऊपर के लेवल्स पर फॉल सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और वापस से फॉल आ जाए, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कॉल साइड के लिए कल आप मत देखना। अगर निफ्टी वापस से इस लेवल पर आता है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो अगर निफ्टी वापस से इस लेवल पर आता है तो वापस से यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर यहां पर आता है निफ्टी तो एसएल होगा छोटा सा इसके ऊपर का, और यहां पर वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेवल्स मार्क कर देता हूं इंट्राडे के बेसिस पे, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, अब ये चैनल तो टूट गया, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके, 16,829 से 43 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आज का लो एक इंपॉर्टेंट है, आज का लो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और 16,723 आप अवॉइड कर सकते हो, बस ये लेवल मेरे लिए जो है मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। तो बस हो सकता है कल मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, कल एक्सपायरी है तो आज ट्रेंडिंग मूव मिला, हो सकता है कल मार्केट रेंज बाउंड हो जाए और इस रेंज के आसपास ट्रेड करता रहे, और कोई मुझे ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं दिख रहा, ठीक है, और ओके वीकनेस तो दिख रही है मार्केट में, बस यही बोलूंगा कि वीकनेस नजर आ रही है, और देखते हैं बाकी मार्केट कल कैसे ओपन होगा, कैसे कैंडल बनाएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो सेम आज का लो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लो के अगर आज का लो टूटेगा तो वापस से और वीकनेस नजर आएगी, मोमेंटम में वो नीचे साइड भगता हुआ चला जाएगा, ओके। देन जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है मुझे 35,633 और 35,745, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो ये लेवल्स को आप अपने चार्ट्स पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बताया आपको, ठीक है, बताया कहां पर एंट्री लिया, कहां पर एग्जिट किया, ठीक है, सब कुछ। कभी कभी हम 1 मिनट के बेसिस पर भी एंट्री लेते हैं स्कैल्पिंग के लिए, 1 मिनट के बेसिस पर जनरली मैं कब लेता हूं, जब मुझे अगेंस्ट द ट्रेंड जाना होता है या जब मुझे ऑलरेडी बहुत कैंडल बन चुका, जैसे मान लो 15 मिनट्स में 4 कैंडल बन चुका, ठीक है, बट मुझे लग रहा है ऐसा कहीं ना कहीं कि यार एक मूव मिल सकता है, एक क्विक स्कैल्पिंग मिल सकता है, तो उसके लिए मैं 1 मिनट का चार्ट प्रेफर करता हूं, ठीक है। हाँ, जब मान लो फॉर एग्जांपल कंसोलिडेट कर रहा है,
और टूटा, तब मैं 1 मिनट का चार्ट प्रेफर नहीं करूंगा, तब मैं 3 मिनट का चार्ट प्रेफर करूंगा। तो मैं 1 मिनट का चार्ट कुछ कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पर ही प्रेफर करता हूं, अदरवाइज 1 मिनट के चार्ट में बहुत ज्यादा नॉइस रहता है, ठीक है, और एसएल हिट होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। चलो, आई होप वीडियो में आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है, और सीख रहा हो तो लाइक करते देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ओके, चलो देखते कल बाकी मार्केट्स में क्या होगा। बाय बाय।